अब अगर हम लोग वेबसाइट मेंटेनेंस की बात करें तो वेबसाइट मेंटेनेंस में बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं, जैसे वेबसाइट की बैकअप करना, उसकी सिक्योरिटी करना। तो अगर मैं बैकअप की बात करूं तो आप देख रहे हो कि आजकल तरह जितना इंटरनेट वास्ट होता जा रहा है, ग्लोबल होता जा रहा है, रोज़ नए नए तरीके के वायरसेस, स्पैमवेयर, रैंसमवेयर, ट्रोजन सब आते जा रहे हैं। तो आज के डेट में सिक्योरिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी डिजिटल आइडेंटिटी के ऊपर। तो एज ए स्टार्टअप आप सिक्योरिटी को उतना प्रिविलेज नहीं दे सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स कर सकते हैं। जैसे आप अपनी साइट को हमेशा एक बैकअप मोड में रख सकते हैं कि उसका हमेशा बैकअप होता रहे। अगर कोई उस पर वायरस चढ़ भी गया है तो आप वायरस ढूंढने की बजाय उस बैकअप को रिस्टोर कर सकें। सिक्योरिटी जो छोटे मोटे वायरसेस हैं, जैसे जो आपकी स्पेस खा जाते हैं, आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाके अनवांटेड मेल्स आने लगते हैं आपको, तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, जिसमें कैप्चा हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर कभी कभी इंटरनेट इस्तेमाल करते करते प्रूफ यू आर अ ह्यूमन, यू आर नॉट अ रोबोट करके कुछ क्वेश्चंस आपको आने लगते हैं। वो तभी आते हैं जब इंटरनेट को लगता है कि इस चैनल के थ्रू कुछ स्पैमिंग या कुछ ऑटोमेशन हो रहा है।